राजस्थान के डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद चुप्पी तोड़ेंगे सचिन पायलट, आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान से पहले सचिन पायलट का दूसरा ट्वीट, मेरे समर्थकों को दिल से आभार। तो जयपुर में गहलोत कैबिनेट की बैठक, सीएम आवास पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी विधायक। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी मीटिंग, सभी मंत्री होंगे शामिल। अशोक गहलोत ने फिर ट्वीट कर बीजेपी पर मारा तंज, लिखा खुले खेल में वो लोग मात खा गए। भगवान राम को लेकर नेपाली पीएम के बयान को लेकर दिल्ली से नेपाल तक गुस्सा, कई जगह प्रदर्शन, ओली के पुतले फूंके गए। नेपाली पीएम के खिलाफ छतरपुर में नेपालियों ने बनाई मानव श्रृंखला। राम को लेकर दिए बयान से है खफा, नेपाली विदेश मंत्रालय ने दी सफाई, कहा किसी की भावना को आहत करने की मंशा नहीं। कोरोना वायरस हवा में फैलने के दावों की सीएसआर करेगा जांच, अगले हफ्ते से चंडीगढ़ और हैदराबाद के लैब में होगी रिसर्च। एक खबर के अनुसार 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को पत्र लिखते हुए कहा था कि इस बात के सबूत हैं कि कोरोना वायरस हवा में फैल रहा है और एक छोटा वायरस भी लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए दिशा निर्देश में बदलाव किए जाएं। आखिर नतीजे पर पहुंची पुलिस, सामने आया सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच। मुंबई पुलिस अब तक की तफ्तीश के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और करीब 30 लोगों की अब तक की गवाही के बाद मुंबई पुलिस की जाँच का कुल निचोड़, विस्टा रिपोर्ट का अभी भी है इंतजार। ब्रिटेन में 5G प्रोडक्ट में नहीं होगा चीनी कंपनी हुआवे का कोई भी पुर्जा इस्तेमाल, चीनी पुर्जे हटाने में टेलीकॉम कंपनियों को करोड़ों पाउंड करने होंगे खर्च। तो अमेरिका में कोरोना से निपटने में नाकामी पर निशाने पर ट्रंप, जो बाइडेन ने कहा फर्ज निभाएं ट्रंप।